फ्रेंड्स मैं अभिषेक जोशी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया ही क्यों जाता है उनका सवाल ये है कि आप दो या दो से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर को पैरल में कनेक्ट करते हैं उससे अच्छा तो यह है कि आप एक हाई कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल कर दीजिए तीन ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में ऑपरेट करने के जगह अगर हम एक ही ट्रांसफॉर्मर पे वर्क करें तो उस एक ही ट्रांसफॉर्मर में मेंटेनेंस करना आसान जाएगा क्योंकि हमें एक ही ट्रांसफॉर्मर का मेंटेनेंस करना है ऐसे तीन ट्रांसफॉर्मर जो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं उन तीनों को मेंटेनेंस में लेना पड़ेगा ऑपरेशन वाइज भी यह आसान जाएगा मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान जाएगा स्पेस भी एक ट्रांसफॉर्मर को कम लगेगा एज कंपेयर टू तीन ट्रांसफॉर्मर तो फिर क्यों इस पैरेलल ऑपरेशन की नीड पड़ती है ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल में कनेक्ट करना ही क्यों पड़ता है तो इस क्वेश्चन को टेक्निक

एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स में से एक होते हैं जो सबस्टेशंस में लगाए जाते हैं ऐसे में जितने हाई रेटिंग का आप ट्रांसफॉर्मर लेंगे जितने हाई कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लेंगे उसकी जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तीन छोटे ट्रांसफार्मर्स को पैरल में लगाएं तो वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कंपेयर टू वन सिंगल यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये भी एक रीज़न है कि ट्रांसफॉर्मर्स को हम पैरल में कनेक्ट करने का प्रिफर करते हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है लोड रिक्वायरमेंट मान लीजिए मैंने एक हाई रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर अपने सबस्टेशन में लगा के रखा है अब अगर मेरे प्लांट की लोड रिक्वायरमेंट कम है या जहाँ भी मैं लोड फीड कर रहा हूँ जहाँ भी मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ वहाँ की लोड रिक्वायरमेंट कम है तो उस एक ट्रांसफॉमर को मुझे अंडर लोड कंडीशन में चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है ऐसे में अगर मेरा ट्रांसफॉमर थर्टी परसेंट लोडेड है या ट्वेंटी फाइव परसेंट लोडेड है तो भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे उस सिंगल हाई रेटिंग ट्रांसफॉर्मर को ट्वेंटी फ़ाइव परसेंट और या थर्टी परसेंट लोड कंडीशन में भी चलाना पड़ेगा इसका सीधा इफेक्ट ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पर देखने को मिलेगा क्योंकि ट्रांसफार्मर फुल लोड कंडीशन पे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है ट्रांसफार्मर को आप जितना नियर टू फुल लोड कंडीशन में चलाएंगे 80 85 परसेंट ऑफ फुल लोड पे चलाएंगे तो वो ट्रांसफार्मर आपको अच्छी एफिशिएंसी देगा पर आपने अपने सिस्टम में एक ही बिग ट्रांसफार्मर लगा कर रखा है अब अगर आपकी लोड रिक्वायरमेंट कम है तो आपको उसी ट्रांसफार्मर को ट्वेंटी फाइव लोड पर भी चलाना पड़ रहा है जिसके वजह से आपके पूरे सिस्टम की एफिशियंसी डाउन हो रही है इसके जगह अगर आपने दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मर पैरल में लगाए होते स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर को पैरल में लगाया होता तो आप एज पर रिक्वायरमेंट ट्रांसफॉर्मर की स्विचिंग कर सकते थे इसका मतलब यह है कि अगर लोड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप तीनों ट्रांसफॉर्मर को वर्किंग में रखिए अगर लोड रिक्वायरमेंट कम है तो तीन में से किसी दो ही ट्रांसफॉर्मर को चलाइए लोड रिक्वायरमेंट अगर और कम है तो आप किसी एक ही ट्रांसफॉर्मर को चलाइए इस तरीके से आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं इस तरीके से आप सिस्टम की एफिशंसी को मेनटेन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट दोस्तों आता है अवेलेबिलिटी को लेकर मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम में एक ही ट्रांसफॉर्मर की यूनिट लगाकर रखी है अब अगर मुझे उस ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है उस ट्रांसफार्मर को शटडाउन में लेना है तो मेरी पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी क्योंकि मेरे सिस्टम में मैंने एक ही बिग यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर लगाया है पर अगर इसके जगह मैंने पैरल ऑपरेशन को सिलेक्ट किया होता दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को अगर मैंने पैरल में लगाया होता तो मैं एक एक करके ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस में ले सकता था जिसके वजह से जो मेरे बाकी के ट्रांसफार्मर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली सप्लाई करते रहते थे इलेक्ट्रिसिटी मुझे कम ज़रूर मिलती थी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी मेरे पास हमेशा रहती थी तो इस तरीके से मैं पावर सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी रहती है उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफल कर सकता हूं लेकिन अगर मैंने एक ही ट्रांसफॉर्मर लगाया होता और उसका मुझे मेंटेनेंस लेना पड़े उसका मुझे शटडाउन लेना पड़े तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि ट्रांसफॉर्मर को हम पैरल में लगाना प्रीफर करते हैं फोर्थ पॉइंट दोस्तों आता है फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर मान लीजिए मैंने एक सिंगल यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर लगाया है जो एक विलेज को पावर फीड करता है अब आठ साल बाद दस साल बाद जब उस विलेज की ग्रोथ होगी जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर का लोड भी बढ़ता जाएगा अब अगर आपने एक सिंगल ट्रांसफार्मर लगाया है और अगर वो ट्रांसफार्मर अब उतना सफिशियंट नहीं है कि वो पूरे विलेज को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि आप एक दूसरा ट्रांसफार्मर अब लगाएंगे जो हाई कैपेसिटी का होगा और पुराने ट्रांसफार्मर को स्क्रैप कर देंगे नए ट्रांसफार्मर में वापस से इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा इस तरीके से काम नहीं किया जाता ऐसे में अच्छा तरीका ये है कि आप एक स्मॉलर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर लगाइए सबसे पहले अगर आपके विलेज की ग्रोथ होती है अगर ट्रांसफार्मर का लोड ज़्यादा बढ़ता है तो आप दूसरे यूनिट को उसके पैरल में कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से आपको लोड की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है आप हर 10-15 साल बाद ट्रांसफार्मर को हायर रेटिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते ये भी एक सबसे अच्छा रीज़न है कि ट्रांसफार्मर को पैरल में कनेक्ट करना प्रीफर किया जाता है ताकि लोड के हिसाब से लोड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर का पैरल ऑपरेशन करके लोड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा सकें और अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सके तो दोस्तों ये रीजन है कि क्यों हम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ को में कनेक्ट करना प्रिफर करते हैं ना कि एक लार्ज यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मर को हम इंस्टॉल कर दें। ये रीजन अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड बाय